हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी जस्ट मुझे जिम जाना है एंड थोड़ा सा टाइम है, तो मुझे लगा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। सबसे पहले तो आज नहीं तो कल आप में से ज़्यादातर लोग एक ना एक बार ज़रूर सोचेंगे लाइफ में कि हमें फिट होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिट नहीं होते हैं बट दिमाग में ज़रूर आता है कि हमें फिट होना है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो जर्नी है ना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी। हाँ, सिंपल है। देखो, ये फर्क है थोड़ी सी बात में कि आसान होने में और सिंपल होने में ना थोड़ा सा फर्क होता है। सिंपल इन द सेंस कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। मुझे पता है कि मुझे रोज सुबह उठ के वर्कआउट करना है, कैलोरीज बर्न करनी है, लिमिटेड कैलोरीज कंज्यूम करनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, अनहेल्दी जंक नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना। ये सब हमें पता है, क्योंकि ये चीजें हमें पता है और हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल, बट ये आसान नहीं होता, क्योंकि आपके आसपास के लोग जो होते हैं ना, वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके घर में कोई पार्टी हो रही है, सब जंक खा रहे हैं, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई स्प्रिंग रोल्स खा रहा है, कोई नूडल्स खा रहा है, आपका थोड़ा बहुत कभी ना कभी मन कर जाएगा यार मैं भी टेस्ट कर लूं, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको हर चीज में इन्फ्लुएंस करते हैं एंड आपकी हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर आपके घर में लोग पूड़ियां खा रहे हैं और मम्मी कहेंगी यही बना है तेरे लिए और कुछ नहीं है घर में, तो आप कहोगे यार चलो कोई बात नहीं, दो पूड़ी मुझे भी दे दो। बट वो दो पूड़ियों का असर आपकी बॉडी पे क्या है, शायद आपको आज रियलाइज ही ना हो। हमारे जैसे कल्चर में ऐसा बोला जाता है, भाई यही तो खाने पीने की उम्र है ना, यही तो एज है खाने पीने की। बट ये रियलाइज नहीं होता कि वॉट इज द राइट एज, आप क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, आपको कभी रियलाइज ही नहीं होता। आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, ये इस चीज पर इतना गौर नहीं किया जाता। अभी तो क्या बोला जाता है ज्यादातर यंग एज में जो लोग होते हैं कि भाई तेरी एज है, तू खा जो मर्जी खा, सब कुछ तेरे को डाइजेस्ट होगा, सब बढ़िया है, सब कुछ हजम हो जाएगा, ऐसे बोला जाता है। अब पॉइंट नंबर वन ये है कि जैसे मैंने बोला कि कभी ना कभी आपको रियलाइज होगा कि हमें फिट होना है, और आप अपनी जर्नी में ना इतने गलत काम कर चुके होगे, गलत काम इन द सेंस आपको पता ही नहीं, एवरी डे आप अपनी बॉडी के लिए पाप कर रहे हो। अगर आप बिना ध्यान दिए कुछ भी खा रहे हो, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हैं, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। देखो, दो चीजें होती हैं जो आपकी कंट्रोल में होना जरूरी है। सबसे पहले आपकी बॉडी फैट परसेंटेज। कई सारी फीमेल्स को एक गलत फहमी होती है, खासकर कि हम पतले दिख रहे हैं तो हमारा फैट ज्यादा नहीं होगा। होता क्या है, फीमेल्स के अंदर मेल के कंपेरिजन में मसल्स कम होते हैं, क्योंकि मसल्स कम होते हैं और वो दिखते भी नहीं है, ज्यादा विजिबल नहीं होते, तो उनकी बॉडी में फैट परसेंटेजेस हाई होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने आसपास किसी फिटनेस सेंटर में जाइए और अपना 5 मिनट लगेंगे, वो आपको एक रिजल्ट निकाल के दे देंगे कि भाई आपका BMI क्या है, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, और तीसरी चीज आपकी मसल परसेंटेज क्या है, और आपको ये पता लग जाएगा आपको काम कहाँ करना है। सो एक मसल्स ऑप्टिमम लेवल पर बॉडी में होना जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डर जैसे देखो, आपको फिट होना राइट। तो आपका फैट परसेंटेज, आपका मसल परसेंटेज, ये और BMI, ये तीनों चीजें साथ में चलेंगी, ये कंट्रोल में होना जरूरी है। तो एक तो ये हो गया कि आप फिट हो जाओगे। अच्छा, उसके बाद आता है फिट दिखना। ये एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर है ना। जैसे आपने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए, अब आप कहोगे अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए तो यार मैं अपना अच्छा घर भी ले लूं, अच्छी गाड़ी भी ले लूं, वो एक नेक्स्ट लेवल हो गया है ना। तो पहले तो था इंपॉर्टेंट कि अच्छे पैसे कमाने, सिमिलरली आपको फिट होना था, आप फिट हो गए, फिर फिट दिखना। सो आप देखो जितने भी ये बॉलीवुड स्टार्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ फिट है नहीं, फिट दिखते भी, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इनका रिलीजन बन चुका है फिटनेस। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे स्टार्स होंगे बॉलीवुड में जिनके पीछे आप पड़ जाओ और उन्हें बोलो मैं आपको लाखों रुपए दूंगा, मेरे सामने जलेबी और रबड़ी खा लो, वो कहेंगे लाखों रुपए हमसे ले ले बट भाई यहां से चला जा, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार वो जलेबी रबड़ी खाने से, एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा खाने से जिसमें हाई कैलोरीज है और उनकी बॉडी पे उससे असर आएगा, वो नहीं करेंगे वो काम। ये बिल्कुल आप कह सकते हो एक्सट्रीम लेवल है, बट ये भी लाइफ में कभी ना कभी आपको आएगा। सी, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया और वो अनमोल है यार, इसके पैसे नहीं लगाए जा सकते, आप अपनी आंखों की वैल्यू नहीं लगा सकते, है ना। अब ये आंखें अगर आपको लगता है वीक हो रही हैं, सो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट राइट, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपके शरीर में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। सो मेरा एक सजेशन सिंपल सा ये है यार,
लाइफ में कभी ना कभी तो रियलाइज होगा कि हमें फिट होना है, बट आप अपनी ना एवरीडे चॉइसेस पे जरूर ध्यान दो। अगर आपके पास चॉइस है ना कि मैं हेल्दी खा सकता हूँ और मैं अनहेल्दी खा सकता हूँ, तो हमेशा हेल्दी को चूज करो। आपके सामने चॉइस है कि यार मैं पूड़ी के साथ आलू की सब्जी खाऊंगा या फिर मैं दाल चावल खाऊंगा, तो दाल चावल हेल्दी ऑप्शन है। वो आप सिर्फ ऑप्शंस को चेंज करते रहोगे ना, आपकी लाइफ चेंज रहेगी। आपके पास चॉइस है कि रात में यार मैं पेट भर के जंक खाऊं या फिर थोड़ा सा सैलेड और सूप ले लूं, ये आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस से आपकी लाइफ ना पूरी डायरेक्शन ले लेगी एक। सो माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। एंड यार मतलब सच में मुझे अपनी फिटनेस जर्नी में मुझे पता है कि यार इट इज नॉट ईजी एवरी डे आपको डिसिप्लिन रहना, इट इज नॉट ईजी एंड इट इज अ लॉन्ग जर्नी। यार देखो ये कोई रेस नहीं है कि भाई मुझे 2 महीने में 6 महीने में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ मैराथन, चलते रहो। स्टार्टिंग में तेज स्पीड में भागने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। रोज छोटे छोटे एक्शंस लो, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को किसी फील्ड में मोटिवेट कर रहा हूँ और उसमें मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों के साथ भी वो शेयर किया जाए। सो अब टाइम हो चुका है जिम का एंड 5-6 मिनट हो चुके हैं आपसे बात करते हुए। जल्दी मिलेंगे एंड तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।